नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी। अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह पर लगाए गंभीर आरोप। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने बनाई रणनीति। सदन में बीजेपी नेता ने राहुल गांधी को कहे अपशब्द। उपचुनावों में हुई धांधली से ध्यान भटकाने के लिए दिया गया संभल हिंसा को अंजाम। एकनाथ शिंदे का दौरा खत्म, अब उन्हें फेंक दिया गया। इन सभी खबरों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार बने महाराष्ट्र के सीएम। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ। राज्यपाल राधाकृष्णन ने दिलाई शपथ। हेमंत कैबिनेट के मंत्रियों का हुआ शपथ ग्रहण। कैबिनेट विस्तार में 11 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। विधायक हफीजुल हसन अंसारी ने लगातार चौथी बार ली शपथ। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा बयान, कहा नेहरू के आलोचक और प्रशंसक दोनों ही उनकी छाया में जी रहे हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का तंज, एकनाथ शिंदे का दौर खत्म, अब कभी नहीं बन पाएंगे मुख्यमंत्री। अखिलेश यादव ने सड़क के हालात पर कसा तंज, कहा गड्ढों में उछलने का कमर तोड़ कट्टू अनुभव। अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब से अमित शाह गृह मंत्री बने हैं, दिल्ली की कानून व्यवस्था का बुरा हाल हो गया है। दिल्ली की गली गली में आज नशा बिक रहा है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए। उन्होंने दिल्ली विधानसभा में कहा कि पंजाब पुलिस की वजह से एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। मैं पंजाब पुलिस की तारीफ करता हूं। पंजाब को बदनाम करने की बड़ी साजिश हो रही है। इस घटना के बाद पूरी बीजेपी और मीडिया पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है, पंजाब की एक घटना पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन दिल्ली में मर्डर फिरौती की कॉल आ रही है, तो कह रहे हैं कि दिल्ली में ये कोई मुद्दा नहीं है। गृह मंत्री के घर के 10-15 किलोमीटर के रेंज में सैकड़ों घटनाएं हो रही हैं। क्या वीआईपी की सुरक्षा जरूरी है और आम आदमी की सुरक्षा जरूरी नहीं है? तेजस्वी यादव ने मुंगेर से अपनी कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनाने पर उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने मुंगेर से अपनी कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनने पर उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया। ऐसे में अब केजरीवाल की लाइन पर चलने वाली आरजेडी को क्या विधानसभा में इसका फायदा मिलता है, इसकी चर्चा होनी भी शुरू हो गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने मुंगेर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि आरजेडी अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जनता के साथ साझा किया जाने वाला एक रोड मैप तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग अत्यधिक बिजली दरों और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के अनियमित बिजली बिल से जूझ रहे हैं। बिलों को सही और 200 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान कर लोगों को राहत पहुंचाने का इरादा रखते हैं। हम सत्ता में आने पर ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन तब तक हम इसके लिए नीतीश कुमार सरकार पर दबाव बनाएंगे। कांग्रेस सांसद और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि सदन में बीजेपी नेता ने राहुल गांधी को अपशब्द कहे हैं। संसद में कांग्रेस ने राहुल गांधी को संभल जाने से रोके जाने का मुद्दा उठाया। साथ ही विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए प्रदर्शन और नारेबाजी भी की। इस बीच कांग्रेस सांसद और पार्टी महासचिव संगठन के केसी वेणुगोपाल ने कहा कि संपूर्ण कांग्रेस सदस्यों ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को संभल जाने से रोके जाने का मुद्दा उठाया। स्पीकर ने निशिकांत दुबे को शून्यकाल में बोलने की अनुमति दी। शून्यकाल के दौरान उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष राहुल गांधी, वायनाड सांसद और पूरी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सबसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि संसद के इतिहास में इससे पहले इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी का इस्तेमाल नहीं किया गया और उन्होंने कहा कि जिस दिन से राहुल गांधी अडानी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हुए हैं, उस दिन से अडानी के एजेंट ने राहुल गांधी को गाली देना शुरू कर दिया है। हम इस तरह की चालों से पीछे नहीं हटेंगे। हम स्पीकर से कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्री परिषद का शपथ ग्रहण हुआ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राजभवन में मंत्रियों को शपथ दिलाई, जिसमें 10 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्री परिषद का आज शपथ ग्रहण हुआ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राजभवन में मंत्रियों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी के शपथ लेने के साथ शुरू हुआ। मरांडी के शपथ लेने के बाद 10 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इनमें झामुमो के दीपक बिरुआ, चमरा लिंडा, हाफिजुल हसन, योगेंद्र प्रसाद, रामदास सोरेन और सुरदेव वी कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस के जिन विधायकों को मंत्री पद दिया गया, उनमें राधाकृष्णन किशोर, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह और शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हैं।
इसके अलावा राजद की ओर से विधायक संजय प्रसाद यादव ने झारखंड सरकार में मंत्री के रूप में शपथ ली। सपा सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उपचुनावों में हुई धांधली से ध्यान भटकाने के लिए संभल हिंसा को अंजाम दिया गया। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के बाद से ही विपक्ष लगातार इस मुद्दे को संसद के अंदर और बाहर हर जगह उठा रहा है और बीजेपी की डबल इंजन सरकार को घेर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के लिए विपक्ष लगातार प्रदेश की योगी सरकार को घेर रहा है, सरकार के रवैये पर सवाल उठा रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने भी संभल मामले को लेकर प्रदेश की योगी सरकार को घेरा। डिंपल यादव ने कहा कि जब सरकार और प्रशासन खुद दोषी हैं तो वे जो चाहे रंग दे सकते हैं, क्योंकि वे मुख्यमंत्री हैं। आज उत्तर प्रदेश में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। सपा सांसद ने कहा कि संभल की घटना को इसलिए अंजाम दिया गया ताकि लोगों का ध्यान उपचुनाव के नतीजों और उसमें हुई धांधली से हट जाए, और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस सरकार को जनता ने चुना है वो जनता पर ध्यान नहीं दे रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आपका कुंदबा बढ़ रहा है, एक के बाद एक नेता आपका दामन थाम रहे हैं। इसी कड़ी में जितेंद्र सिंह शंटी ने भी आपका दामन थाम लिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक के बाद एक नेता आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। कल बीजेपी नेता प्रवेश रतन आप में शामिल हुए थे, वहीं पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी ने आपका दामन थामा। अरविंद केजरीवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। पार्टी में शामिल होने के बाद शंटी ने कहा कि मैं तो राजनीति से बहुत दूर जा चुका था, वैसे 3 बार इलेक्टेड रहा, लेकिन जब से सेवा में लगा और कोविड में परमात्मा ने मौका दिया, मान सम्मान मिला। और उन्होंने कहा कि लावारिश लाशों का दाह संस्कार करते हुए उस दिन जब केजरीवाल जी का फोन आया तो मैंने सोचने का वक्त लिया। मेरे कुछ लोगों ने कहा कि केजरीवाल जी और आपके कामों में समानता है, केजरीवाल जी लोगों के जीने का इंतजाम कर रहे हैं और हम लोगों के अंतिम घड़ी में जाने का इंतजाम करते हैं। दिल्ली में जब जीने से जाने तक इंतजाम हो जाए तो हमारा मिशन वैसे ही सफल हो जाएगा। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी को संभल जाने से रोका जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राहुल गांधी को नहीं रोकना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संभल जाने से रोके जाने को गलत करार देते हुए कहा, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को रोकने से ही इसकी शुरुआत हुई थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को संभल जाने से रोका जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राहुल गांधी को नहीं रोकना चाहिए, लेकिन ये रोकने का सिलसिला उस वक्त से जारी है जब हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर एक प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में संभल जाने वाला था, लेकिन सपा द्वारा भेजे जा रहे प्रतिनिधि मंडल को रोक दिया गया। अखिलेश यादव ने 15 सदस्यों की कमेटी का गठन किया था, हमारे प्रतिनिधि मंडल के अलावा हमारे विधायक सांसदों को जाने से रोक दिया गया, सांसदों पर FIR दर्ज किए गए। देश के सामने संभल का सच बाहर ना आ जाए इसलिए पूरी रणनीति के तहत रोका जा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ कानपुर के सड़क मार्ग की हालत को लेकर तंज कसा और कहा कि सड़क की हालत के लिए राज्य या केंद्र किसे जिम्मेदार ठहराया जाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अक्सर बीजेपी और योगी सरकार पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ते। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से लखनऊ कानपुर के सड़क मार्ग की खस्ता हालत को लेकर तंज कसा और सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यहां से गुजरते हुए गड्ढों में उछलने का कमर तोड़ अनुभव हुआ। उन्होंने पूछा कि इस दुर्गति के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए। अखिलेश यादव ने एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखा, निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा राज में आज लखनऊ कानपुर के सड़क मार्ग पर चलने का नहीं, दरअसल गड्ढों में उछलने का कमर तोड़ कटु अनुभव हुआ। जगह जगह उखड़ी टूटी सड़कें, हर तरफ धूल मिट्टी का गुबार, वायु ध्वनि प्रदूषण हर तरफ फैला है जिसका जनता के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।